ये देखो किनारे किनारे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह 11 बज रहे हैं, बस 9 9:30 बजे के आसपास उठ चुका था। पिछले 2 दिन से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है करके। व्लॉग नहीं आने का कारण मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। अभी 2 दिन अपनी भिलाई पे ताबड़तोड़ बारिश हुई है। 2 दिन से मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ। घर में भी कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं चल रही थी क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। सब अपने अपने बिस्तर के अंदर घुसे हुए थे, मैं भी अपने बिस्तर के अंदर में था। मैं एक दिन नहाया भी नहीं था, इतना ज्यादा ठंडी लग रहा था। अभी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। कभी मन करता है कि सिरनाथ नदी जाऊं घूमने के लिए, कभी मन करता है कि मैं रायपुर जाऊं। रायपुर तो फिलहाल अभी जा नहीं सकता, कभी भी बारिश हो सकता है, इस वजह से मैं रायपुर नहीं जा सकता। तो अभी देखते हैं आज दिन भर में अपन क्या करते हैं। कहीं ना कहीं तो आज लेके चलेंगे आप लोगों को, क्योंकि आज ब्लॉग कैसे ना कैसे करके बना के देना ही है। तो चलिए देखते हैं, जो मन में आ गया वो डिसाइड करेंगे अपन, फिर निकल पड़ेंगे। देख लो बाबा, एक्सीडेंट होने का चांस है। पता नहीं मेरे बाइक को क्या हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। आज जगन्नाथ यात्रा है, सेक्टर 6 तरफ जाके देखते हैं क्या पोजीशन है उस साइड में। पहले मना कर दिए थे जगन्नाथ यात्रा इस साल नहीं मनाया जाएगा करके, लेकिन अभी न्यूज़ वगैरह में देख रहा हूँ तो पंडित है, वो पूजा पाठ करते हैं, सब लोग रथ यात्रा को खींचेंगे। थोड़ा बहुत देखा था लाइव, तो उसमें तो बस तैयारी चल रही थी। इतना स्लो स्लो, ये देखो यही होता है कहीं भी मुड़ जाना। सेक्टर 6 में पिछले साल 2019 में इसका मैं वीडियो मैं बनाया हुआ हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा पिछले साल का। इस साल अब देखते हैं कि वीडियो बनाने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि आप सब जानते हैं अभी स्थिति क्या चल रही है। देख लो भाई, अभी मुझे चंद्रमुरा टॉकीज के पास में जाना है, बैंक में थोड़ा काम है मुझे, उसके बाद फिर मैं सेटस लिए निकलूँगा, सभी को दिखलाएंगे वहाँ का माहौल क्या है, दर्शन करने मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, मैं 220 अप लेना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे भाई हैं जो मुझे कमेंट करके बतला रहे थे कि 220 अप से 200 है वो ले लीजिए, या फिर डोमिनार है वो ले लीजिए करके, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना अपने अकेले के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं सबके लिए ले रहा हूँ, ताकि उसमें मम्मी पापा नाना नानी मेरे फैमिली बैठ सके। एक बाइक लूँगा उसमें भी, मतलब कि मैं बस अकेला चलाऊँगा और बैठने में दिक्कत परेशानी होगी, तो ऐसा बाइक भी क्या काम का। यहाँ पे अंडरब्रिज का काम चल रहा है इसलिए घेर के रखा हुआ है। किनारे किनारे निकलते हैं, कहीं गाड़ी वाड़ी बंद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। अरे बाप रे, वहाँ पे बड़ी गाड़ी तो घुस नहीं सकती अंडरब्रिज पे, अपनी बाइक बड़े आराम से निकल गई। मैं तो सोचा कि वापस जाना पड़ेगा। अभी सेक्टर 6 तरफ चलते हैं। वेदर तो भाई कसम से लाजवाब है, हरियाली हरियाली चारों तरफ। बरसात के सीजन में यही तो एक मजा है घूमने में, बस दिन भर बारिश मत हो, दिन भर अपन घूमते रहें, उसके बाद जैसा शाम होता है जितना बारिश होना है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा, अपना काम भी हो जाएगा और हमारा बारिश भी हो जाएगी, ऐसा मेरा सोच है। ऐसा तो भाई प्रकृति कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। फूल माला सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि ये सेक्टर 6 साइबर मंदिर सामने में, अभी तो इनके पट बंद है। ये सुंदर सा नाला यहाँ पे जो जर्जर हालत में है सब,
बीएसपी के जितने भी फ्लैट हैं सब टूटे फूटे नजर आ रहे हैं। देखो कब से यही स्थिति में है। अच्छा वक्त कि खाली करा दिया, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। यहाँ भी पूरा बहुत सारे 1 BHK 2 BHK थे, उसको भी तोड़ा गया है। अब बीएसपी को बनाना चाहिए अच्छे अच्छे घर, 10-20 साल तक तो इजीली चल पाए। ये आ गए हैं अपन मार्केट। मार्केट तो मैं आप लोगों को दिखलाता ही रहता हूँ। सेक्टर 6 में यहाँ पे जो चौपाटी लगती है वो अभी खुला है कि नहीं खुला वो देखते हुए चलेंगे अपन। हाँ भाई चौपाटी तो खुला है भाई, समोसे खाए जा रहे हैं भाई साहब लोग। सेक्टर एरिया में घूमने का ही मजा कुछ और है। आपको नजर आ रहा है ये स्कूल है, इस साइड में है गुरुद्वारा सेक्टर 6। ये है स्कूल गुरु नानक स्कूल। ये है गुरुद्वारा। यहाँ पे हमारे जवान राशन मिला शायद तो सब उतार रहे हैं राशन वगैरह। तो यहाँ पे बनाया गया इस तरह से बना बना के देना चाहिए, हमारे कर्मचारी को मजदूरों को भी देना चाहिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट की ओर। ओहो रथ वगैरह इस साइड खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है देखते हुए निकलेंगे। माहौल है कि नहीं है, माहौल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इस बार तो माहौल ही नहीं है। ये रहा जगन्नाथ मंदिर। तो जो पूजा करने आ रहे हैं धीरे धीरे लोग, लेकिन क्राउड नहीं है कुछ। यहाँ पे नारियल बेच रहे हैं। मड़ौदा सेक्टर की ओर जा रहा हूँ, ये भी देख लेंगे अपन कि मैत्री गार्डन का क्या स्थिति है। वैसे तो मैं जानता हूँ कि खुला तो नहीं है, फिर भी जब उस साइड से जाना हो रहा है तो अपन एक नज़र मार भी लेंगे दूर से। मड़ौदा सेक्टर इसलिए जा रहा हूँ, वहाँ पे जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो देखने जा रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखलाएंगे। भाई देख के चलो, इस साइड में पुलिस वाले लोग छुप के बैठे रहते हैं। हट जाओ, असली मजा तो बाइक में है, कार वगैरह में वो मजा नहीं आता, बंदा बंदा सा लगता है कार में। ये पहुंच गए हैं मैत्री गार्डन की ओर, थोड़ा सा आप लोगों को अंदर जा के दिखलाते हैं। तो यहाँ पे सब बंद है, किसी प्रकार का कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है। तो जब खुलेगा आप लोगों को मैं बतला दूंगा मैत्री गार्डन। तो इस साइड मार्केट लगी हुई है,
तो ये रहा मड़ौदा का मार्केट। पिछली दफ़ा जब आया था तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था यहाँ पे, और पुलिस पूरी तैनात थी इस साइड में। अरे कुत्ते, अरे बाप रे, कितना बड़ा बड़ा सींग है। मड़ौदा भी अच्छी जगह है, यहाँ से अपन जा सकते हैं धमतरी, गुंडरदेही और भी बहुत सारे गांव हैं। पाटन भी इस साइड से आप जा सकते हो। टेम्पो से कैसे पार हो जाऊं, बड़े बड़े गाड़ियां आ रही है, बाप रे, बीस में चल रहा सहनसा, अरे बाप रे। इस साइड गाय बहुत है। ये स्कूल है भिलाई पब्लिक स्कूल, और ये देखो गाय। निर्माण विभाग आपका स्वागत करता है। सुंदर सा ओवर ब्रिज, बहुत सही काम किया है यहाँ पे ओवर ब्रिज बना के। सुंदर सा नज़ारा, पूरा बीएसपी प्लांट। बीएसपी में जो भी मटेरियल आता है बाहर से, या फिर मटेरियल जाना होता है, तो ये ट्रेन रूट बिछाया गया है बीएसपी की तरफ से, तो यहीं से होके गुजरता है, यहीं से होके निकलता है, और इसी रीजन से बनाया गया है ये ओवर ब्रिज को। आए दिन फाटक बंद रहता था और बहुत जाम लग जाता था। इस साइड में तो भयंकर बड़े बड़े भैंस है, गाय है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीक विश्वविद्यालय है, ये देख रहे हो सुंदर सा नज़ारा, इसी को देखने के लिए आया हूँ। चलिए पास ले चलता हूँ आप लोगों को दिखलाने के लिए। इधर भी चलेंगे देखने के लिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद। क्या नज़ारे हैं भाई, तबाही। यहीं कहीं से मैं भी जाके देखता हूँ। सुंदर से नज़ारे को देखने के लिए आया हूँ, क्या खूबसूरत सा लग रहा है। प्लांट ऐसा लग रहा है कि एकदम पास में ही खड़ा है। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, कैसा लगा बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बीएसपी प्लांट है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं पानी से। यहाँ पे कुछ बंदे लोग आए हुए हैं मछली पकड़ने के लिए, और कुछ लोग ऐसे देखने के लिए नज़ारे को। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये नज़ारा। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।